अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप देख रहे हो ग्लेशियर टाइम्स और मैं हूं उमर रैना। नाज़रीन मोहतरम, अभी हम मौजूद हैं तहसील गुंड के बलती कुलन इलाके में, जहां पर योम आशूरा का जो आज 10वां मुहर्रम है, इसका जो इज्तिमा है, जलसा जुलूस है, वो आज यहां पर पुरअमन तरीके से निकाला जा रहा है। आप सब जानते हो कि ये जो जुलूस है, जलसा है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में पूरे मुल्क में आज निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम गांधरबल ज़िले की बात करें तो गांधरबल ज़िले के डब इलाके में भी जो है आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये जलसा जो है निकाला गया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो तहसील गुंड में भी ये जो जलसा है, आज लोगों की तरफ से यहाँ पर जो बलती कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो निकाल रहे हैं। ने यहाँ पर बात की, इस आशूरा के हवाले से बात की, जिन्होंने क्या कहा आप देखिए इस रिपोर्ट में। जी सर, शुक्रिया रैना साहब। आज 10वां आशूरा यानी इमाम हुसैन के याद में हम मुहर्रम हराम के 10वीं तारीख को जुलूस वगैरह का अहतमाम करते हैं। चूँकि ज़माने कदीम में करबला के मुकाम पर इमाम आली मुकाम को भेजा जुल्म जफा करके घर बार लुटा कर शहीद कर दिया गया था, उसी याद को ताज़ा करने के लिए हम आज के दिन अपना नजराना अकीदत इमाम आली मुकाम के तहत पेश करते हैं। शुक्रिया। मैं अच्छी नज़रों से देखता हूँ, ये अच्छी बात है। ये रिवायती जुलूस था तो कुछ हालात की वजह से सरकार ने बंद कर रखा था, अब छोड़ दिया। हम मुतमईन है, इंशाल्लाह छोड़नी भी चाहिए, ये जुलूसें बंद नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। इस मौके पर मैं उम्मत मुस्लिमा से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इमाम आली मुकाम के तालीमात को याद करते हुए सभी उनके तालीमात पर चलने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम हम सब को इमाम आली मुकाम की नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। शुक्रिया।